हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी ब्लॉगिंग। तो आज है 4 सितंबर, तो अभी शुरुआत हो रही है हमारी यहाँ पर डेकोरेशन से। मतलब यहाँ पे हम डेकोरेशन करने वाले हैं। टाइम देख सकते हो, 9 बज रहे हैं। यहाँ पे मैंने बैलून फुला के रखे हुए हैं और ये हमने क्या कहते हैं मेले से लिया था इसको। हमने वैसे तो मेले से उस पर्पज से लिया था, क्या कहते हैं किससे मम्मी, काना के लिए ड्रेस बनाने के लिए ना, मेले से ली थी मच्छरदानी काना की ड्रेस बनाने के लिए। तो बनाएंगे उसकी ड्रेस भी बनाएंगे, समय नहीं आ पा रहा है। पर अभी हम इसको एज अ नेट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पर्दा टाइप लगाने के लिए। फिर उसमें हैप्पी बर्थडे लिखेंगे और बैलून्स लगाएंगे ऐसे, ताकि ये जितने ये निशान हैं ये ऐसे ये सब ढक जाए। ये होल भी किया था ये बता दें। और ये जो होल आपको दिख रहा है ये हमने टीवी के लिए करा था। ये जो 2 होल हैं अब हमारी टीवी पर उधर पे लगी हुई है, तो वहाँ पे भी 2 होल होंगे। और ये मेरा भाई है, ये पढ़ाई कर रहा है और ये देख सकते हो आप। अब यहाँ से ये वाला बक्सा टेबल ये सब यहाँ रखा हुआ था हमने इस वीडियो मतलब बर्थडे के, उससे हमने यहाँ पर रखा। सोफ़ा इधर पे था, इधर से हटा के उधर पे रखा। सारा सामान तहस नहस हो चुका है हमारा। तो व्लॉग के साथ बने रहे, आज व्लॉगिंग मैं करने वाली हूँ। ये मेरा शायद 3रा व्लॉग होगा मम्मी के, उसमें 3रा व्लॉग डलेगा। 2 व्लॉग वृंदावन के बनाए थे, 1 व्लॉग ये वाला होगा बर्थडे वाला। तो बताना आप लोगों को मेरा व्लॉग और मेरा बोलना कैसा लगा। तो बताओ मम्मी क्या कर रहे हो। ये है मच्छरदानी, जो मच्छरदानी को हम चीर फाड़ कर रहे हैं और उसके बाद। और हमने ये मच्छरदानी कितने रुपए की ली थी याद भी नहीं हो। 200 तक ली थी ना, 200 या 250 तक की ली थी। अगर हम ये बाजार से नेट का कपड़ा खरीदते तो हमें कितने का पड़ेगा। तो हमने दिमाग लगाया और हमने ये खरीद लिया। इससे कहना कि कितनी सारी ड्रेसों में काम आएगा और ये दुपट्टा भी बन सकता है, इससे हमारा बहुत कुछ बन सकता है। और इससे वो भी बना सकते हैं मम्मी, मुझे मैं ड्रेस नहीं कह रही थी आपको, मेरे को वाली बर्थडे के लिए चाहिए वैस टाइप की ड्रेस बन सकती। पर ये पिंक कलर का नहीं, मुझे पिंक कलर की ड्रेस चाहिए थी। मैंने मार्केट में ढूंढी, चाहे मुझे टॉप मिले कुछ मिले, पर पिंक कलर का कुछ भी नहीं मिला। तो वो मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊँगी ये कि मैंने बर्थडे के लिए ड्रेस क्या ली है। क्या दिखाएगी पहने की सीधा दिखा दूंगी ना पहले, अब पैंट ढीली हुई टाइट हुई क्या हुई वो बाद में बताएंगे। और उस टाइम देखने गई थी हाँ, अगर मेरे साथ जाती तो शायद मिल भी जाता था ऑफिस में। नहीं था, मैं सिर्फ 2 दुकानों में गई, मुझे और कहीं गई भी नहीं। एक तो मैं लेट गई थी और मैं क्या कहते हैं इसलिए नहीं ले गई क्योंकि मम्मी बहुत वहाँ पे वो करती है, 1000 रुपये क्योंकि नहीं 700 रुपये दूंगी। मम्मी बेचारा डर जाता है, इसीलिए सोचा कि मम्मी को नहीं ले जाऊंगी, बहुत टाइम वेस्ट करती है। और अगर बाजार में मम्मी को लेके जाती ना, आस्ता ये लेना है अब, आस्ता वो लेना है अब, इसीलिए मम्मी रहने दो, तुम घर पे रहो और सो जाओ। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। के 10 बज गए हैं और यहाँ पर अभी मैं आटा गूंध रही हूँ और आस्था अपने बर्थडे के लिए खुद ही लगी पड़ी कर अरे मर गए और आस्था अपने बर्थडे की खुद ही तैयारी करने में लगी हुई है। देखते हैं कैसा होता है, रात में केक काटेंगे क्या करेंगे कैसे करेंगे, सभी होता है। क्योंकि तो रोटी खाने के लिए पेट में बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी पिंकू भी आई नहीं है, हुसैन जी भी मतलब आई नहीं है। और यहाँ पर सेटअप हम लोगों ने चेंज करवा दिया, मैंने कहा बेटी जी यहाँ पर बनाए इस वाली दीवार में, यहाँ पर दिखा दी हाँ पर इस वाली दीवार में ना, क्योंकि दीवार थोड़ा सा बड़ी है, वो वाली दीवार छोटी है। राधा कृष्ण की वहाँ पर हमने फोटो वगैरह लगा दी है, टेढ़ी लग गई है वो फोटो, लग रहा है देख तो आ रही थोड़ी टेढ़ी। तो तुम लोग को दिख नहीं रहा था जब मैं लगा रही थी, बोल नहीं सक रहे थे क्या टेढ़ी हो रही है मम्मी करके, मैंने ध्यान नहीं दिया था। टेढ़ी लग गई है तो सब्जी मैं मैंने बनाई है क्या, हाँ बैगन सॉरी क्या बनाई है मैंने, शिमला मिर्च की सब्जी। खाना आजकल हमारा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, रात के 12 भी बज जाते हैं कभी कभी तो 11:30-12 बज जाते हैं खाते खाते। चलो फिर
फिर उसके बाद अभी जैसा भी होता है करते हैं। तो ये देखो, ये मच्छरदानी थी, मच्छरदानी आज बहुत ज़्यादा उपयोग में आई है। इसको मैंने पूरा फाड़ दिया और पूरी एक साड़ी की लेंथ बन गई। मैंने साड़ी को पहन के भी देखा। तो बाद में जब हम इसे निकालेंगे तो मैं इसमें सोच रही हूँ एक रील भी बना लूँगी। रेड साड़ी में बहुत सुंदर होगी, करवा चौथ की रील बन जाएगी इसमें एक बहुत प्यारी सी। और ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे कील मादा के सबके कमरे में लाई थी और मैं इस कील को सीधा करने के लिए अपने हाथ की बलिदान दे रही हूँ। और यहाँ पर बैठे हुए हमारे माधव केशव, इनकी भी जगह चेंज होती रहती है। यहाँ पर बैठा रखा है इनको, तो देखते हैं रात को बड्डे में तक जगे रहते हैं या फिर सुला देते हैं। 10 तो बज ही गया है, जगे रहेंगे क्या करेंगे अभी इनके ऊपर डिसाइड होगा कि ये क्या करते हैं पता नहीं। दिन में तो सोए हैं महाराज, मुझे लग रहा सो जाएंगे। इधर देख पा रही है वो दे, और आस्था अपने लिए ये भी लेगी। जब घर वाले प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो बच्चे क्या खरीद के लाएगा। रील बनाने की वजह से आस्था ये सब लेके आई, क्योंकि साल में एक ही दिन आता है। पहले जब आस्था छोटी थी तो आस्था को बर्थडे का बहुत ज़्यादा इतना, मतलब आज बर्थडे हुआ और दूसरे दिन से फिर बर्थडे की बातें चालू हो जाती थी कि अगली बार ये करेंगे वो करेंगे। तो अब बड़ी हो गई है, जैसे ये अभी जो बाहर जाने वाली थी बाहर भी नहीं जा पाई, तो इसका भी बहुत बड़ा अफसोस है मुझे। मेरी बेटी मेरे साथ नहीं करी, घर पर ही रह गई है, जो नहीं जा पाई कई कारण। दिन में बताओ एक बार, इन्हें बर्थडे तो यार वीडियो में बोल रही थी, अरे मैंने बोला कि कल टीचर डे है, फिर बाद में आ गए, अरे 5 तारीख आ गई कल, मैं तो सोच रही थी बहुत दिन है अभी। सही में भैया, मेरी माँ को, मेरा पापा को तो चलो याद नहीं रहता था, माँ को भी याद नहीं, अब तो हो गया आपका तेरा। सच में ऐसा ही हुआ यार, मैं सोची थी अभी 1, 2, 3 तारीख है और 4 तारीख मैंने कोई उधार ले जा रहा था उसके लिए 4 तारीख तो लिखी थी, लेकिन मुझे याद नहीं थी। मैं सोची अभी बर्थडे आने के लिए बहुत दिन है, और दिमाग आजकल बिल्कुल भी काम नहीं करता है, इस वजह से मैं रील भी नहीं बना पाती हूँ ना मैं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ। तो आज बेटी की खुशी के लिए हम ब्लॉगिंग करेंगे। इसको मैं सुबह से कह रही हूँ कि ब्लॉग बना ले। अभी रात के कितने बज गए रहे, 12 बजने में 3 मिनट है। तो हम लोगों ने जो प्लानिंग बनाई थी मैंने सारी कैंसिल कर दी, क्योंकि अब ताकत आ रही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत सजा दिया है, दिखाते कैसे बनाया है, स्थान हमने चेंज कर दिया था। ये यहाँ पर ऐसे करके आ गया है, तो इसको पूरा दही से हम कल बनाएंगे। यहाँ पर माधव और केशव को भी सुला दिया है, यहाँ पर कच्चे बनियान सुखा लिए हैं जो गीले थे, मतलब यहाँ पर सारे गीले कपड़े सुखा रखे हैं। पूरा कमरा ऐसे बसते हैं, रोज़ हम सवेरे संभालते हैं, शाम तक का फिर और वैसे ही जाता है, रोज़ का हमारा यही काम है कपड़ों को अस्ते वस्त जो फैला होता है वो। और यहाँ पर आस्था भी लेट चुकी है और हमारे नैतिक बाबू भी सो गए हैं, थोड़ा थोड़ा सपनों में जाने लगे हैं। और मैंने घड़ी को थोड़ा सा फास्ट किया है, 10 से 15 मिनट फास्ट कर रखा है। और यहाँ पर मैंने राधा कृष्ण का इस तरीके से फोटो वगैरह लगा दिया, जो कि मुझे देख दिया है कि अभी 2 दिन पोस्टर और हैं जो मुझे अभी लगाने बाकी हैं यहाँ पर कमरे पर। 1 मिनट बाकी है आस्था को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। 12 बजने में 1 मिनट। अरे उठी है मौसी अभी अभी 1 मिनट बाकी है। अरे बज गया। सबसे पहले मौसी ने ब्लॉग बना रही, मैंने कहा 1 मिनट बाकी है तो आस्था को हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और यहाँ पर आस्था की मौसी का फोन आ चुका है, हैप्पी 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 बर्थडे। ताना जी तेरी हर मनोकामना पूरी करे। रो रहे हो क्या है? रो रहे हो क्या? अभी क्यों रोएगी, लेटे लेटे बोल रही होगी। आस्था के बालों में मेहंदी लगी हुई थी इसलिए डिसमिस हो गया। तो आस्था गुड नाइट, राधे राधे। जो भी आस्था को हैप्पी बर्थडे की जन्मदिन की बधाई देगा तो उसे बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। आस्था की तो प्लीज आस्था को आशीर्वाद देना, ताकि आस्था के लिए बस के साथ हम अपने ब्लॉगिंग एंड नहीं कर देते हैं। कल कैसा रहेगा क्या रहेगा, तो उसी के साथ हम नया अपना ब्लॉगिंग लेकर आएंगे। राधे राधे।